चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पंडोह के पास योगी पुल की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। ग्राम पंचायत सीओ की प्रधान वीना महंत ने बताया कि इस पुल की हालत बेहद दयनीय है। इस बारे में एनएचएआई और फोरलेन निर्माण में लगी केएमसी कंपनी के अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया है, वहीं कंपनी और विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। उन्होंने कहा कि हर महीने कोई न कोई हादसा इस पुल पर पेश आता है, कुछ लोग तो ऐसे हादसों के कारण अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं स्थानीय प्रधान ने प्रशासन विभाग और कंपनी से आग्रह किया है कि इस पुल की मुरम्मत जल्द से जल्द की जाए और दोनों तरफ पक्की रेलिंग लगाई जाए ताकि कोई हादसा दोबारा ना हो। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने भी पुल की मुरम्मत जल्द से जल्द करवाने की अपील की है। मेरी ग्राम पंचायत में एनएच के नजदीक एक पुल है जिसकी काफी दयनीय स्थिति है। उसकी रेलिंग काफी समय से टूटी हुई है, आए दिन वहाँ अनेक हादसे होते रहते हैं। हमने प्रशासन से भी बात की थी तथा केएमसी के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की थी, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जो जान माल की हानि पहले हुई है, आने वाले समय में ऐसा कोई भी हादसा नहीं हो। तो ये कई सालों से जो रेलिंग है ये टूटी पड़ी है, तो हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ हर 15 दिन में, हफ्ते में कई हादसे होते रहते हैं, कई लोगों ने यहाँ जान भी गंवा ली है। तो इस हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि इसका जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए और यहाँ रेलिंग का प्रबंध किया जाए। यहीं पे ब्रिज के साथ मेरी शॉप है, तो यहाँ पे अक्सर बहुत से हादसे होते रहते हैं और प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि यहाँ पे जो है अच्छी तरह से रेलिंग वगैरह का प्रबंध किया जाए, क्योंकि हफ्ते 15 दिन में यहाँ कोई जो हादसा होता रहता है जी, और बहुत से लोग तो हमने खुद निकाले हैं, कुछ की यहाँ पे डेथ भी हो गई है, एक्सीडेंट होने की वजह से।